कल हमने आपको सेक्टर के बारे में बता दिया था, त्रिज्यखंड के बारे में बता दिया था, और आज हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे सेगमेंट के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड। हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड, और हमें पढ़ना है सेगमेंट के बारे में, जिसे हम बोलते हैं सेगमेंट। इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट और हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। तो अगली हेडिंग लगा लेना वृत्तखंड, ठीक है? अगली हेडिंग लगा लेना वृत्तखंड। और वृत्तखंड क्या होता है? तो हम जानते हैं कि भाई हमारे पास ये वृत्त होता है, ये वृत्त होता है। इसमें हमने कल कल क्या क्या का बताया था आपको इसके बारे में? कल हमने इसके पहले की क्लास में हमने आपको क्या बताया? हमने आपको त्रिज्या के बारे में बताया, जिसे हम बोलते हैं रेडियस। हमने आपको व्यास के बारे में बताया, जिसे हम बोलते हैं डायामीटर। और हमने आपको बताया इसके इसके हमने बताया सरकमफेरेंस के बारे में, मतलब हमने इसकी परिधि के बारे में आपको बताया था कल की क्लास में। आपने अगर नहीं देखा तो उसे जरूर देखना। इसे हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। और इसके बाद में हमने आपको एरिया के बारे में बताया, इसके क्षेत्रफल के बारे में बताया, एरिया के बारे में बताया। इसमें एक वर्ड और होता है, कल हमने आपको चाप के बारे में भी बताया था, चाप के बारे में भी बताया था, कॉर्ड के बारे में आपको कल आपको बताया गया था, आर्क के बारे में। और एक वर्ड और होता है जिसे हम बोलते हैं जीवा, जिसे हम बोलते हैं जीवा, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड, इसे हम कहते हैं जीवा। जीवा क्या होती है? तो सर्किल में एक 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 बिंदु से अगले बिंदु तक खींची गई जो रेखा होती है, उसी को हम कहते हैं कॉर्ड, उसी को हम कहते हैं जीवा। और अगर ये जीवा केंद्र से होकर गुजर जाए, अगर ये केंद्र से होकर गुजर जाए जीवा, तो इसी को हम कहते हैं व्यास। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। उससे बड़ी कोई भी जीवा नहीं हो सकती है। तो सबसे बड़ी जो कॉर्ड होगी वही क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। आपका क्या कहलाएगी? वो आपका व्यास कहलाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? तो जो जीवा होती है, जो जीवा होती है वो वृत्त को दो सेगमेंट में ब्रेक कर देती है। अगर आप किसी भी सर्किल में, अगर आप किसी भी बेटा इस पॉइंट से आगे निकल जाएगा, अगर ऐसे निकल जाएगा तो इसे हम बोलते हैं छेदक रेखा। तो उसकी बात अभी हमें नहीं करनी है बेटा, ठीक है? उसकी बात अभी हमें नहीं करनी है, हम ज्योमेट्री में उसकी बात करेंगे निधि, ठीक है? निधि बेटा क्या लिख रही हो? इंग्लिश को समझ नहीं आ रहा है? इंग्लिश क्या नहीं समझ में आ रहा है? इंग्लिश में क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये रेडियस है आपका, ये डायामीटर है या सॉरी सरकमफ्रेंस है, ये एरिया है, ये आपका आर्क है। कल सब बताया गया था आपको, ये आर्क है और ये कॉर्ड है जिसे हम बोलते हैं जीवा। और ये जो जीवा होती है वो एक सर्किल को दो सेगमेंट में बांट देती है। एक जो जीवा होती है वो इसे दो सेगमेंट में बांट देती है। जैसे मैंने ऐसे खींच दिया तो इसमें दो सेगमेंट हो गए, एक ये वाला सेगमेंट हो गया और एक ये ऊपर वाला सेगमेंट हो गया। तो इसके अंदर दो सेगमेंट हो गए हैं, दो वृत्तखंड हो गए हैं, दो वृत्तखंड हो गए हैं। और जो छोटा वाला है इसे हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड, इसे हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड, इसे हम बोलते हैं लघु वृत्त खंड, या इंग्लिश में बोलते हैं इसे माइनर आर्क, इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और इसे हिंदी में हम बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड, इसे हम हिंदी में बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड, और इंग्लिश में बोलते हैं मेजर आर्क। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसे मेजर सेगमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो एक जो कॉर्ड होती है, एक जो कॉर्ड होती है वो सर्किल को, एक कॉर्ड सर्किल को दो सेगमेंट में ब्रेक कर देती है। इंग्लिश में बोल दिया है निधि, मैंने इंग्लिश में बोल दिया है, आप देख लीजिए। ये रेडियस है, ये डायामीटर है, ये सर्कमफ्रेंस है, ये एरिया है, और ये आर्क है, ये हमारा माइनर सेगमेंट है और ये हमारा मेजर सेगमेंट है, ठीक है? क्लियर हो गया? तो अब हमारे क्वेश्चन में कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है, हमारे क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनका एरिया बताओ।
इनका एरिया बताओ, तो इनका एरिया हम कैसे बताएंगे वो हम आपको समझाएंगे। अगर हमें सेगमेंट का एरिया पूछ लिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, जरा देखो। पहले बताओ ये क्लियर हो गया? आपको ये याद रखना है कि ये हमारी जो है वो कॉर्ड है, एक कॉर्ड जो है वो सर्किल को दो सेगमेंट में ब्रेक कर देती है, एक होता है माइनर सेगमेंट और एक होता है मेजर सेगमेंट। एक होता है माइनर सेगमेंट, एक होता है मेजर सेगमेंट। हिंदी में बोले तो एक होता है लघु वृत्तखंड और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछा जा सकता है क्या एरिया, आपसे एरिया पूछा जा सकता है किसका। जैसे मैंने एक ये आपसे पूछा, ये आपका सर्किल है, ये आपसे सर्किल है और मैंने एक कॉर्ड ऐसे खींच दी, ये हमारी क्या है कॉर्ड है, और आपको बताना है कि इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, आपको बताना है इसका एरिया कितना होगा। तो आप कैसे बता पाओगे? इसका एरिया बताने के लिए आपको इसके सेंटर से एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, इसके सेंटर से एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आप जानते हो, और इस ट्रायंगल में ये आर होगा, ये आर होगा और ये होगा थीटा, ये होगा थीटा। बताइए इतनी बात समझ में आई आपको? अब अगर मुझे इतने का एरिया बताना है, इस वाले भाग का मुझे एरिया बताना है, अगर मुझे इस वाले भाग का एरिया बताना है तो आप जानते हो, अगर कल मैंने आपको क्या सिखाया था, कल मैंने आपको सिखाया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ सिखाया था, कल मैंने आपको सिखाया था सेक्टर का एरिया निकालना सिखाया था। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो आप जानते हो क्या? कल बताओ सेक्टर का एरिया निकालना बताया गया है कि नहीं बताया गया था, पहले इतना बताओ। कल सेक्टर का एरिया निकालना बताया गया था ऐसे या नो बताओ? कल बताया गया था कैसे? सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको बताया गया था कि थीटा अपॉन में 360 इंटू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यही बताया गया था। कल सेक्टर का एरिया बताया गया था, सुभाष जी कह रहे हैं एस, तो सुभाष जी यही बताया गया था थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और आप जानते हो कि इस सेक्टर का एरिया अगर आपको बताना है, इसके लिए अगर आपको इतने का एरिया चाहिए तो इस ट्रेंगल को बाहर करना पड़ेगा, बताओ ट्रेंगल को बाहर करना पड़ेगा कि नहीं बाहर करना पड़ेगा इस ट्रेंगल। अब जब आप ये एरिया लोगे तो इसके अंदर ये पूरा आएगा, और ये जब पूरा आएगा तो हमें तो केवल इतने का चाहिए नीचे वाले का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्या, इस ट्रेंगल का एरिया बाहर करना पड़ेगा। और आपको बताया गया था कि अगर किसी भी ट्रेंगल का ये एंगल पता हो, ये ए है और ये बी है, किसी भी ट्रेंगल का अगर ये पता है थीटा, ये ए है ये और बी है, तो ट्रेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बताया गया था, एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया गया था 1/2 आजू बाजू की साइड इंटू साइन थीटा, यही बताया गया था आजू बाजू की साइड इंटू साइन थीटा, यही बताया गया था। क्योंकि ये दोनों साइड आर आर है तो यहां पर हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, तो मैं इसमें से घटा देता हूं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो ये जो निकल के आया है भैया, ये निकल के आया है एरिया ऑफ माइनर आर्क, माइनर सेगमेंट। जल्दी से बताएं, क्लियर हो गया? ये जो निकल के आया है ये इस माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। ये जो निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एक बार कमेंट करके बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, एक बार कमेंट करके बता दो क्लियर हो गया है। निधि सिंह को क्लियर हो गया है, सुभाष जी को क्लियर हो गया है। अब आपसे यहां पर पूछा जा सकता है क्या, आपसे यहां पर पूछा जा सकता है कि आप मेजर सेगमेंट का भी एरिया बताइए, आपसे पूछा जा सकता है कि मेजर सेगमेंट का एरिया बताइए, तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे बताएंगे, तो मेजर सेगमेंट का एरिया हम बता सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि पूरे सर्किल का एरिया निकाल लें, पूरे सर्किल का एरिया निकाल लें और उसमें से माइनर वाला को माइनस कर दें, तब निकल जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। अगर आप माइनर का एरिया का सेगमेंट नहीं निकालना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि डायरेक्ट हम निकाल लें मेजर का, तो मेजर वाला कैसे निकाल पाओगे, कुछ पता है मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल पाओगे?
बताएं भाई, अगर मेजर सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है तो हमें ऊपर वाले का इतने का एरिया निकालना पड़ेगा, और जब ऊपर वाले का एरिया निकालोगे, पहले बताओ ये ए माइनर एरिया माइनर एरिया का सेगमेंट आपको समझ में आ गया है? जो लघु वृत्तखंड का एरिया है ये आपको समझ में आ गया है? तो मैं आपको मेजर का समझाऊं, और जब मैं मेजर का समझाऊंगा, मैं इसी में समझाता हूं मेजर का, आप देखो मेजर का एरिया कैसे आएगा। जब मेजर का एरिया आएगा तो आपको ये थीटा ना देकर आपको ऊपर वाला थीटा दिया जाएगा, ऐसे ये आपको थीटा दिया जाएगा, और ये वाली एरिया हमें नहीं बतानी है। अब हमें ये वाली एरिया नहीं बतानी है, अब हमें कौन सी एरिया बतानी है? अब हमें इतने का एरिया बताना है। देखो ये जो बना हुआ है आकृति, अब हमें इसका बताना है भाई। माइनर को तो हमने बाहर कर दिया, अब हमें इसका एरिया बताना है। तो इसका एरिया कैसे आएगा बताओ आप? अगर इतने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूं तो ये आ जाएगा मेरे पास थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो आया है वो तो इतने का आया है ऊपर वाले का, इसका नहीं आया है। पिछली बार हमने क्या किया था? इसको माइनस किया था, इस बार इसको हम प्लस करेंगे 1/2 r² sin थीटा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या निकल के आया है? ये निकल के आया है एरिया ऑफ मेजर आर्क, मेजर आर्क नहीं सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। बताओ समझ में आया? कमेंट करके बताओ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट समझ में आया कि नहीं आया? पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 r² sin थीटा। क्लियर? आप देखेंगे जब माइनर आर्क निकाल रहे, माइनर सेगमेंट निकाल रहे होंगे तो आप यहां पर माइनस करेंगे, और जब मेजर निकाल रहे होंगे तो आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो बढ़ूंगा और चलूंगा अगले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? और अगला कॉन्सेप्ट हमारा है, अब मैं आपको समझा रहा हूं, अभी तक हमने जितनी बातें की सब सर्किल की बातें की हैं, और अब हम बात करेंगे सेमी सर्किल की, मतलब अर्धवृत्त की। अब हम जो बातें करेंगे वो सेमी सर्किल की बातें करेंगे और हम करेंगे अर्धवृत्त की बातें। तो अर्धवृत्त की बातों को समझने के लिए आप तैयार हो जाएं। अर्धवृत्त का मतलब हो गया, अर्धवृत्त की बातें कैसे करेंगे? तो हम बात करेंगे यहां पर अर्धवृत्त, जिसे हम बोलते हैं सेमी सर्किल। अर्धवृत्त की बातें करेंगे और इसे हम बोलते हैं सेमी सर्किल। अब सेमी सर्किल कैसे? जैसे ये हमारा वृत्त है, इसको हमने सेंटर से, इसमें हमने डायमीटर की, उसको हमने कट कर दिया, तो ये कहलाता है सेमी सर्किल, और इसे हम कहते हैं हिंदी में अर्धवृत्त, ठीक है? और जब हम अर्धवृत्त की बातें करते हैं, जब हम अर्धवृत्त की बातें करते हैं तो हम यहां पर पहले क्या जानते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे इसका एरिया, और आप जानते हो एरिया क्या होता है सर्किल का? होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त का एरिया। बताओ क्लियर हो गया? अर्धवृत्त का एरिया क्लियर हो गया कि नहीं पहले बता दो जल्दी से। अब हमें जानना है इसका सरकमफ्रेंस, अब हमें जानना है ये क्या है, ये है इसका क्षेत्रफल। अब हमें जानना है इसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, सरकमफ्रेंस मतलब अब हमें इसकी परिधि जाननी है, जिसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, और पढ़ा है कि पूरे सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो 2πr होती है, पूरे सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो 2πr होती है। बता दो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर। तो पूरे सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है 2πr। लेकिन अब आप क्या करोगे? आप तो इसका हाफ करोगे, और जब हाफ करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस होना चाहिए पाई आर। और जब आप केवल पाई आर लेते हैं, जब आप यहां पर पाई आर लेते हैं तो हम यहां पर समझेंगे कि इस पाई आर में क्या आया है। तो इस पाई आर में केवल इतना आया है,
इस पाई आर में केवल इतना आया है और अभी यहां पर ये आर और ये आर जोड़ना बाकी रह गया है, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो इसमें 2R जोड़ना पड़ेगा हमको और ये आ जाएगा, आर कॉमन हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा पाई प्लस 2। बताइए क्लियर हो गया, परिधि क्लियर हो गया सभी को? ठीक है भाई, परिधि क्लियर हो गया आपको? अब हम आगे चलेंगे, ये हो गया सरकमफेरेंस। अब जब सरकमफेरेंस क्लियर हो गया आपका, तो हमें ध्यान क्या देना है भाई, हमें यहां पर ध्यान देना है सरकमफेरेंस के बाद में अब हमें बनाने हैं इसके अंदर फिगर। कमेंट नहीं हो पा रहा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, कमेंट नहीं हो पा रहा होगा, लाइव चैट ऑफ हो गया था और वीडियो लाइव हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप केवल समझते चलें, ठीक है, आप समझते चलें, मैं एक बार को दो दो बार बताता चल रहा हूँ। अभी मैं कुछ देर बाद दूसरा वीडियो स्टार्ट करूँगा, तब कमेंट ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कमेंट ऑन नहीं हो पाया है, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ देख लेते हैं, अभी जब प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो जाएगी तब मैं आपका वीडियो दूसरा बना दूंगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा एरिया कैसे आया है, पूरा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हमने उसको आधा कर दिया तो हाफ में हो गया, और यहाँ का एरिया सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर होता है, हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा पाई आर, और जब पाई आर लूंगा तो केवल पाई आर इतना ही आएगा, इसमें हमें इसे भी बाउंड्री लेनी है तो इसमें आर और आर जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, यहां से पाई आर कॉमन कर दूंगा तो यहां से बचेगा पाई और यहां से बचेगा 2, तो ये आ जाएगा इसका सरकमफेरेंस। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे चलेंगे, अब हम समझेंगे इसका अगला पॉइंट। अब आपको ये समझना है कि अगर मैं अर्धवृत्त के अंदर, अगर मैं अर्धवृत्त के अंदर 3 डायग्राम बना दूं, पहला डायग्राम मैं बना रहा हूं क्या, यहां पर मैं बनाऊंगा इसके अंदर सबसे बड़ा मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल बनाऊंगा, और जब मैं इसके अंदर मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल बनाऊंगा तो आप देखोगे कि इससे बड़ा ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, और इसकी त्रिज्या अगर आर है, इसकी रेडियस अगर आर है, तो मुझे अगर पूछेगा बताओ इस ट्रायंगल की ऊंचाई, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो मुझे पता है ट्रायंगल का एरिया, और मुझे पता है कि ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होता है 1/2 बेस, बेस कितना हो जाएगा आर और आर, बेस हो जाएगा 2R और इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी वो भी आर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम साइड का एरिया जो ट्रायंगल बनेगा, मैक्सिमम एरिया का जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा आर स्क्वायर होगा। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, क्लियर हो गया। अगर आपको सेमी सर्किल के अंतर्गत
मैक्सिमम साइड का एरिया बना, मैक्सिमम साइड का ट्रेंगल बनाना है, मैक्सिमम साइज का ट्रेंगल बनाना है, तो हम उस इससे बड़ा ट्रेंगल नहीं बना सकते हैं, यही सबसे बड़ा ट्रेंगल होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब हम दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं कि एक ट्रेंगल, एक सर्किल के, एक सेमी सर्किल के अंतर्गत हमें बनाना है मैक्सिमम साइज का, हमें बनाना है मैक्सिमम साइज का स्क्वायर। अगर हमें मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाना है तो इससे बड़ा स्क्वायर हम नहीं बना पाएंगे, इससे बड़ा स्क्वायर हम नहीं बना पाएंगे। और आपसे पूछा जाएगा कि इस स्क्वायर का एरिया बताओ कितना होगा। अगर सेमी सर्किल के अंतर्गत आप बड़ा से बड़ा स्क्वायर बनाना चाहते हो तो आपको बताना है इसका एरिया कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें इसके अंदर बनाना पड़ेगा। देखो ये यहाँ ये सेंटर है, ये आर होगा, ये आर होगा, और अगर यहाँ से यहाँ तक मैं मिला दूँ तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, और अगर ये हमारा आर होगा तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है यहाँ का एरिया बताना है। तो इसकी साइड को अगर मैं ए मान लेता हूं तो ये साइड ए हो जाएगी, ये साइड ए हो जाएगी, एक साइड ए हो गई, दूसरी साइड ए हो गई, और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है यहां पर, यहां पर मुझे इस साइड का मान निकालना है। और इस साइड का मान कितना हो जाएगा आप जानते हो, चूंकि ये सेंटर है और ये सरकम सर, ये हमारा सेंटर है, तो ये हो जाएगा पूरा आर, और ये हमारी पूरी ए है, तो यहां पर हो जाएगा ए बाई टू, और ये हो जाएगी ए बाई टू। बताओ इतनी बात समझ में आई है? इतनी बात आपकी समझ में आ गई है तो मुझे आर और ए का रिलेशन निकालना है। तो इसमें मैं लगा देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पर जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 4 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 4 और 5, ये हो जाएगा 5 ए स्क्वायर अपॉन में 4, देन ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास आर बराबर अंडर रूट 5 ए स्क्वायर अपॉन में 4। तो ये क्या आ जाएगा, आर बराबर अंडर रूट, यह आ जाएगा ए बाहर आ जाएगा, इसका 2 बाहर आ जाएगा, और ये अंडर रूट 5। तो आर और ए का जो रिलेशन निकल के आएगा, आर और ए का रिलेशन ये आएगा, अगर मुझे ए बराबर चाहिए, अगर मुझे a बराबर चाहिए तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, a बराबर ये 2 ऊपर हो जाएगा तो 2r हो जाएगा, अपॉन में 5 चला जाएगा तो अंडर रूट 5। तो a बराबर हमें याद रखना है, a बराबर याद रखना है 2r अपॉन में अंडर रूट 5। देखते जाएं, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस का स्टार्ट करूंगा तो आप वहां पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अगर मैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस का स्टार्ट करूंगा तो आप वहां पर प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया मैक्सिमम साइज का ट्रेंगल, और ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया है मैक्सिमम साइज का स्क्वायर। ठीक, अभी हम बनाएंगे मैक्सिमम साइज का सर्किल। देखिए भाई, अभी हम बनाएंगे मैक्सिमम साइज का सर्किल, तो कैसे बनेगा, जैसे हमारा ये सर्कम सर्किल है, ये हमारा अर्धवृत्त है, और इस अर्धवृत्त के अंदर हमने एक बना दिया वृत्त, इस अर्धवृत्त के अंदर हमने एक मैक्सिमम साइज का वृत्त बना दिया। अर्धवृत्त के अंदर मैक्सिमम साइज का अगर हम सर्किल बनाएंगे तो आप जानते हो कि अगर ये ट्रेंगल, ये आर है, ये आर है, तो यहां से यहां तक जो होगी वो भी आर होगी। इसका मतलब इसका सेंटर यहां होगा, तो ये हो जाएगी r बाई टू और ये हो जाएगी r बाई टू। इतनी बात समझ में आई है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले सर्किल का एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, देखो सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां की जो r है वो r बाई टू है, R जो है वो R by 2 है, तो ये हो जाएगा पाई R by 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई R स्क्वायर अपॉन में 4। क्लियर हो गया, पाई R स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया है, 4 हो गया है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको? तो यहां तक ये जितने भी थी,
ये जितनी भी थ्योरी थी सारी सर्किल की थ्योरी थी। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया आपसे, इसमें हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने आपको रेडियस के बारे में बताया, फिर हमने आपको डायामीटर के बारे में बताया, फिर हमने आपको सरकमफ्रेंस के बारे में बताया, सरकमफ्रेंस के बारे में बताया, और नंबर चार पे हमने आपको क्या बताया, एरिया के बारे में बताया। नंबर पाँच पे क्या बताया, कॉर्ड के बारे में बताया हमने आपको। फिर हमने क्या बताया, नंबर सिक्स पे आपको आर्क के बारे में समझाया गया। नंबर सेवन पे क्या समझाया गया, आपको सेगमेंट के बारे में समझाया गया। और नंबर आठ पे आपको क्या समझाया गया, नंबर आठ पे आपको समझाया गया सेगमेंट हो गया, और फिर आपको बताया गया सेक्टर के बारे में। इतनी बातें आप समझ गए, आप रेडियस त्रिज्या होती है, डायामीटर व्यास होता है, सर्कमफ्रेंस परिधि होती है, एरिया क्षेत्रफल होता है, कॉर्ड जीवा होती है, आर्क चाप होती है, सेगमेंट क्या होता है, वृत्तखंड होता है, और सेक्टर जो होता है वो त्रिज्यखंड होता है। तो सर्किल के बारे में इतनी सारी चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए थी। ये हो गया हमारा थ्योरी का वीडियो, और अब हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस का वीडियो, जिसमें आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा और आप उसके उत्तर करना शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट थ्योरी नहीं देखा है तो आप उसे पहले जरूर देखें, तभी आप इस क्लास को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और हम बढ़ते हैं आगे, और अब जितने भी तरह के क्वेश्चन सर्किल में बनते हैं हम उनका सभी का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने आने जा रहा है, और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर वन का आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आपके सामने आ चुका है, और आपको बताना है परिधि की लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर वन आ चुका है, आप बताएं परिधि की लंबाई कितनी होगी, जल्दी से हमें कमेंट करें और बताएं। क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है, एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। तो कैसे बता पाएंगे, अगर हम देखा जाए तो हमारे पास आर दिया है 28 सेंटीमीटर, और हमें बताना है सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस हम जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस जो होता है हमारा भी जो होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर होती है। और यहां पर हम इसका आंसर बता सकते हैं, 2 × 22/7 हो जाएगा, इंटू आर कितना है, 28। आर 28 नहीं था बेसिकली, ये इसका व्यास था, डायमीटर था, तो हमें यहां से R निकाल लेना चाहिए था, इसका हाफ हो जाएगा कितना, 14। तो हम यहां पर 14 यूज करेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना, 7 × 14 = 22 × 44 × 88। ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। ही आ रहा होगा ना, कितना आ रहा है जरा कमेंट करके बताना हमको। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते थे, कैसे, कल हमने समझाया था कि अगर आपकी त्रिज्या, अगर आपकी त्रिज्या 7 होती है, बताया था कल, पर अगर आपकी रेडियस 7 होती है तो जो सर्कमफ्रेंस आता है वो 44 आता है, और इसका जो एरिया आता है वो कितना आता है, 154 आता है, बताया गया था, बताओ कल की क्लास में बताया गया था। और यह भी बताया गया था कि एरिया को हाँ निधि सेम है, एरिया को मैं जितना टाइम्स करता हूं, अगर ये 14 आया है तो 2 टाइम्स हुआ है, तो ये भी 2 टाइम्स ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 88, और इस क्वेश्चन का आंसर 88 है। और ये जो एरिया बढ़ेगा ना वो 154 इंटू करना पड़ेगा, ये जो टाइम्स हो रहा है उसके स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, तो ये इतना ये आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है, और इसका ऑप्शन चेंज कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने है, और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर टू का आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर टू में सरकमफ्रेंस गिवेन है, क्वेश्चन नंबर टू में सरकमफ्रेंस गिवेन है, कितना गिवेन है, सरकमफ्रेंस परिधि गिवेन है कितनी, 220। अब हमें पता है सरकमफ्रेंस बराबर होता क्या है, 2πr होता है, और 2πr बराबर हो जाएगा 220, 2π का मान रख दो, 22/7 हो जाएगा, इंटू आर हो जाएगा, ये हो जाएगा 220, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बार में कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया लगाने का,
दूसरा तरीका ये हो गया कि आपको याद होगा क्या कि अगर रेडियस 7 होती है तो ये 44 होता है, एरिया होता है 154। ये रेडियस है, ये सर्कमफ्रेंस है और ये एरिया है। अब हमसे सर्कमफ्रेंस बताया गया है कितना, हमसे सर्कमफ्रेंस बताया गया है 220, तो ये कितना टाइम्स हुआ है, तो पता चला 5 गुना हुआ है, तो एरिया भी 5 गुना रहा होगा, ये हो जाएगा 35। एरिया कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं, आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। बताएं, क्लियर हो गया निधि सिंह, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर दो? इस क्वेश्चन की इंग्लिश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप निधि बना लेना बेटा इसको, ठीक है? इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन गिवन है आपके सामने रेडियस, इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन है वो गिवन है रेडियस, और रेडियस कितना गिवन है, 14 रेडियस गिवन है, और हमसे कह रहा है कि एरिया बता दो, हमें बताना है एरिया, मतलब इसका क्षेत्रफल बताना है हमको। तो इसको मैं सीधे डायरेक्ट फार्मूले से भी लगा सकता हूं कि एरिया जो होता है, सुभाष जी कहाँ चले गए थे भाई, सुभाष जी लाइव रहा करें, एकदम लाइव रहा करें, जाया ना करें भाई, ठीक है? अब एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 22 बटे में 7 इंटू आर हो जाएगा 14, 14 इंटू 14 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 22 दूना 44 इंटू 14, 4 चौक 16, इकाई के स्थान पे 6 आएगा बाबू, यूनिट डिजिट से लगा दो, इकाई के स्थान पे 6 आएगा, और केवल 6 यही दिया है और कहीं नहीं दिया है। तो हम मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका आपको बताया गया था 3 का बी आएगा, हाँ दूसरा तरीका ये बताया गया था कि अगर रेडियस आर है, अगर रेडियस 7 है तो सर्कमफ्रेंस आता है 44, तो एरिया कितना आता है भैया, एरिया आता है 154। तो यहां पर रेडियस जो है वो कितना गुना किया गया है, 2 गुना किया गया है, तो जो एरिया होगा वो हो जाएगा 154 का 2 का होल स्क्वायर। कल यही बताया गया था, यही बताया गया था कि जो सर्कमफ्रेंस होती है उसी रेस्पेक्ट में बढ़ती है, लेकिन जो एरिया होता है वो उसके वर्ग के रेस्पेक्ट में बढ़ता है। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगा 154 इंटू 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 1 21, 4 एकम 4 2 6, 4 चौक 16, तो 616 आ गया। देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताओ, निधि और सुभाष बताओ, निधि और सुभाष दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके, ये वाला भी क्लियर हो गया और ये वाला भी क्लियर हो गया, हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। और आगे चलते हैं, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, इस बार हमें सर्कमफ्रेंस दिया है। अगर हम देखें कि सर्कमफ्रेंस दिया है तो हमें पता है अगर रेडियस आर होता है तो सर्कमफ्रेंस होता है बाबू 44 और एरिया होता है 154, तो हमको सर्कमफ्रेंस बताया गया कितना, ये बताया गया 88, मतलब 2 टाइम्स हुआ होगा। अगर ये 2 टाइम्स हुआ है तो ये एरिया जो है 154 इंटू 2 का स्क्वायर होगा, और अभी हमने किया था 616 ही इसका आंसर आएगा। बताओ समझ में आ गया, कुछ स्पीड में ग्रो लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ, स्पीड में वृद्धि हो रही है सुभाष जी, ये ट्रिक अच्छी काम कर रही है नहीं काम कर रही है? हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते थे, डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते थे। कैसे लगा सकते थे, पहले हम इससे निकालते आर, आर निकालने के बाद में हम निकाल देते पाई आर स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाता। पहले निकालते आर और बाद में लगा देते पाई आर स्क्वायर, तो क्लियर हो जाता कि नहीं क्लियर हो जाता बताओ सुभाष जी, बताओ क्लियर हो जाता सुभाष, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर पांच आपको बताना है, और पांच में आप क्या बताओगे, तो पांच आपको बताना है और क्या दिया हुआ है। यहां कह रहा है कि एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है,
तो बताना है उसका परिधि कितनी होगी, सरकमफ्रेंस बताना है। और हमने रटवाया है आपको पहले ही क्या कि अगर रेडियस आर सेवन होगा तो सरकमफ्रेंस होगा बाबू 44 और एरिया कितना होगा, एरिया होगा 154। और इस क्वेश्चन में एरिया 154 ही दिया है तो सरकमफ्रेंस कितना होगा, 44 होगा। बताओ डी होगा, सुभाष जी ने आंसर कर दिया है एकदम, सुभाष जी ने एकदम आंसर कर दिया है कि इसका आंसर होगा डी। ठीक है, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, बताओ। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने, अच्छा 6 को बताना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान है जिसका व्यास 175 मीटर है। इस मैदान के बाहर चारों ओर 4 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगवाने का खर्चा क्या आएगा। अब आप बताओ, अगर कोई वृत्ताकार मैदान है, जैसे ये वृत्ताकार मैदान है, इसके बाहर चारों तरफ आपको लगाना है तार, तो आप इसका एरिया निकालोगे या आप इसका सरकमफ्रेंस निकालोगे, आप इसका एरिया निकालोगे या आप इसका सरकमफ्रेंस निकालोगे। तो आप कहोगे सर इसका हम एरिया नहीं निकालेंगे, हम इसका निकालेंगे सरकमफ्रेंस। और इसका जब सरकमफ्रेंस निकालेंगे, इसका जब सरकमफ्रेंस हम निकालेंगे तो पता चलेगा वो होता है, देखो इसकी परिधि कितनी होती है, इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr, 2πr होता है। और इसको हम लिख देंगे यहां पर, और 2R के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, सीधे 175। भाई व्यास बराबर 2R होता है तो हम यहां से लिख देंगे 2R के स्थान पे लिख देंगे वो, और ये हो जाएगा 22/7 इंटू में क्या हो जाएगा 175। क्लियर, तो ये आ जाएगा 7 × 7, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, तो ये हो जाएगा 22 × 25, कितना हो जाएगा 25 × 50, 25 × 50 और 5 = 55। और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 रुपए से। हमें पता चला कि 550 मीटर वायर लगेगा, 550 मीटर वायर लगेगा, और 550 मीटर को हम 4 रुपए से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 × 20, 5 × 20, 5 × 20 = 22, तो पता चला कि 2200 रुपए लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए यहां का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और आप बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। बबली जी गुड इवनिंग, बहुत दिनों बाद क्लास ले रही हो, अच्छा चलो ठीक है, तो बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना आएगा। दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताएं, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बताएं। कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, जैसे जैसे हमारा ये सर्किल था,
इसकी रेडियस को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया गया होगा। मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक आर थी और 2 सेंटीमीटर और बढ़ाया गया तो इसका नया सर्किल ये बन गया। तो एरिया जो है वो ये कितना हो गया। अब इसका एरिया देखो, हमारे पास दो सर्किल हैं, एक सर्किल का रेडियस है आर प्लस टू, और एक अंदर वाला जो सर्किल है इसका सर्किल का रेडियस कितनी है आर, और एरिया का जो डिफरेंस है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसका मतलब अगर मैं पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर माइनस कर दूं तो ये एरिया आ जाएगा बीच वाला, बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आ जाएगा एरिया, और यही हमें दिया है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया, जल्दी से बता दो कमेंट करके, एकदम क्लियर हो गया है हमें। यहां पर इस पे क्वेश्चन और बनता है सड़क पर आधारित। अगर सर्किल में सड़क बनेगा तो वो भी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, एक अंदर वृत्त बनेगा एक बाहर वृत्त बनेगा, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही कहलाएगा एरिया ऑफ रोड। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों में अगर हम देखें तो पाई कर दो कॉमन, यहां से क्या बचेगा आर प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इक्वल में 44। ठीक, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 होती है, और ये 22 से कैंसिल हो जाएगा दो बार में, ये आएगा यहां से ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, आर स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 2 दूनी 4 आर और माइनस का आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 7 दूनी 14। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आर इक्वल टू ये हो जाएगा 10, देन आर बराबर कितना हो जाएगा 10/4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2.5, और आंसर आ चुका है। बबली ने आंसर किया है इसका, बी आंसर आया है, सुभाष जी ने भी आंसर किया है, चलिए अच्छी बात है। तो इसमें अभी एक क्वेश्चन आएगा रोड पर आधारित, उसको भी आपको ऐसे ही हैंडल करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, देखिए सेम क्वेश्चन है रास्ते पर आधारित। अभी हमने आपको समझाया रास्ते पर आधारित, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप बना लीजिएगा। कल क्लास चलेगी सेम टाइम पे, ठीक है, कल क्लास सेम टाइम पे चलेगी क्योंकि अब प्रैक्टिस का समय हो रहा है हिंदी की, तो आपको हिंदी की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और ये 10, तो आप इन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चनों को बना लीजिएगा, 7, 8, 9, 10, आप इन तीन क्वेश्चनों को बना लीजिएगा। कल क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे 8 नंबर से, और जितने भी सर्कल के क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। क्लास की टाइमिंग याद रखें 7:50 to 8:50। सुभाष जी, निधि, सभी लोग आ जाया करें अपने टाइम पे, जो आपके ग्रुप में लिंक मिलती है उस ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके आप आ जाया करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सर्किल के सारे रूल को आप तैयार रखें, कौन कौन से वर्ड हमने सर्किल में यूज किए हैं उन वर्डों को आप जानें, सर्कम सर्किल क्या होता है, परिधि क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ये सब देखें। और हमने एक आपके पास प्रैक्टिस सेट भेजा है, हमने एक प्रैक्टिस सेट भेजा है आपके पास, आप उसे जरूर बनाएं। जो भी ग्रुप में आपके प्रैक्टिस सेट डाला जाता है आपको उसे बनाना ही बनाना है, ये जान लीजिए। जब आपको समय मिले, जब आपको समय मिले तो आप उसे सबमिट जरूर करें। ठीक है भाई, चलो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।